लाइव सिटीज एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से कामना लिंग झारखंड के देवघर में स्थित है। बाबा बैद्यनाथ धाम एक ऐतिहासिक मंदिर तो है ही, इसके साथ ही यहाँ बासुकीनाथ भी प्रसिद्ध मंदिर है। बासुकीनाथ धाम बाबा भोलेनाथ की पावन नगरी। मान्यता है कि देवघर की यात्रा बासुकीनाथ के दर्शन के बिना अधूरी रहती है। सावन के महीने में लाखों की तादाद में कांवड़ लेकर दूर दूर से श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं। इस महीने में पूरी नगरी मानो केसरिया रंग से रंग उठता है। सावन में यहां श्रावणी मेले का भी आयोजन होता है, जिसमें देश और विदेशों से भी श्रद्धालु आते हैं। आसपास का पूरा इलाका बोलबम के नारों से गूंज उठता है। सभी शिव भक्ति में लीन होते हैं। जो कांवड़िये जलाभिषेक करने वैद्यनाथ धाम आते हैं, वे बासुकीनाथ मंदिर में भी जलाभिषेक करना नहीं भूलते। बासुकीनाथ मंदिर बाबा बैद्यनाथ धाम से करीब 42 किलोमीटर दूर झारखंड के दुमका जिले में स्थित है। बाबा बैद्यनाथ मंदिर में स्थित कामना लिंग पर जलाभिषेक करने आए कांवड़िये अपनी पूजा को पूर्ण करने के लिए बासुकीनाथ मंदिर में भी जलाभिषेक जरूर करते हैं। कांवड़िये अपने कांवड़ में सुल्तानगंज में बहती गंगा से दो पात्रों में पानी लाते हैं। उसमें से एक का जल बाबा बैद्यनाथ में चढ़ाते हैं तो दूसरे को बाबा बासुकीनाथ पर अर्पित करते हैं। कामना लिंग में जल अर्पण करने के बाद कई कांवड़िये तो पैदल ही बासुकीनाथ पहुंचते हैं। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार एक समय की बात है जब बासुकी नाम का एक किसान जमीन पर हल चला रहा था, तभी उसके हल का फाल किसी पत्थर के टुकड़े से टकरा गया और वहां दूध बहने लगा। यह देखकर बासुकी भयभीत होकर भागने लगा। तब आकाशवाणी हुई, तुम भागो नहीं, मैं शिव हूँ, मेरी पूजा करो। तभी से यहाँ भगवान शिव की पूजा होने लगी। कहा जाता है कि उसी किसान बासुकी के नाम पर इस पवित्र स्थल का नाम बासुकीनाथ धाम पड़ा। श्रद्धालुओं का मानना है कि बाबा बैद्यनाथ के दरबार में अगर दीवानी मुकदमों की सुनवाई होती है तो बासुकीनाथ में फौजदारी मुकदमों की सुनवाई होती है। मंदिर के पुजारियों के मुताबिक बासुकीनाथ में शिव का रूप नागेश का है। यहाँ अन्य सामग्रियां तो चढ़ाई जाती है, परंतु दूध से पूजा करने का काफी महत्व है। मान्यता है कि नागेश के रूप के कारण दूध से पूजा करने से भगवान शिव शंकर प्रसन्न रहते हैं। भगवान शंकर के गले में लिपटे नाग को भी दूध पसंद है। यहाँ वर्ष में एक बार महारुद्राभिषेक का आयोजन किया जाता है, जिसमें काफी मात्रा में दूध चढ़ाया जाता है। साथ ही इस रुद्राभिषेक में घी, मधु तथा दही का भी प्रयोग किया जाता है, परंतु दूध ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस अनुष्ठान के समय बाबा भोलेनाथ के भक्तों का जमावड़ा लग जाता है। कहा गया है कि बासुकीनाथ मंदिर में पूजा नहीं करने वालों की बाबा बैद्यनाथ धाम कामना लिंग की पूजा अधूरी मानी जाती है। अगर आपको भी भोलेनाथ को प्रसन्न कर अपनी हर मनोकामनाएं पूर्ण करनी है तो कामना लिंग की पूजा करने के साथ ही बासुकीनाथ मंदिर के दर्शन भी जरूर करें। आशा करते हैं आपको ये जानकारियाँ पसंद आई होंगी। आस्था से जुड़ी और भी जानकारियों के लिए हमारे चैनल लाइव सिटीज एस्ट्रो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।